बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के सात बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन करवा चौथ के व्रत को ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे जल देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी को चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे जल देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे जल देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। जैसे ही दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा बहन मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवी उससे नाराज हो गई है और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे एक साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। एक साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। जय हो करवा माता की।